हेलो स्टूडेंट, आज हम सीएसएस में एनिमेशन करने जा रहे हैं। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर रहती है, इसी के अंदर को हम कोड करेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमने एक डिव बनाया है, एक ब्लैंक डिव लिया है यहाँ पे, और ये डिव ही एनिमेटेड होगा। यहाँ पे कोई भी मैसेज अगर आपको पास करना है तो मैसेज पास कर दीजिए। देखिए हमने एक मैसेज पास कर दिया, एनिमेशन इन डिव। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल लिया है पहले की तरह, यहाँ पे हमने क्या लिया डिव, डिव में हमने डिव का विड्थ 200 पिक्सल, हाइट जो है वो हमने 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर हमने लिया रेड। और देखिए यहां पे एनिमेशन का नेम आएगा, एनिमेशन नेम, लाइक जैसे हमने यहां पे रख दिया आइकॉन। और देखिए एनिमेशन कितने टाइम तक चले, तो एनिमेशन ड्यूरेशन आएगा यहां पे, एनिमेशन ड्यूरेशन, लाइक हमने कर दिया 5 सेकंड। अब उसके बाद में हम इसे क्लोज कर देंगे डिव को। यहां पे एट द रेट की फ्रेम्स आएगा, की फ्रेम्स, और उसके बाद में एनिमेशन का नाम जैसे हमने आइकॉन। उसके बाद में देखिए यहां पे जो भी, अब आपको जिस भी तरीके के, देखिए जैसे मान लीजिए हम डिव के अंदर कलर चेंजिंग करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0%, और यहां पे हमने क्या किया बैकग्राउंड कलर हमने यहां पे करा येलो। उसके बाद में 25%, और हमने यहां पे किया ऑरेंज। उसके बाद में 50% यहां पे हमने कलर किया पिंक। कहने का मतलब ये है बैकग्राउंड के कलर्स जो है वो चेंज होते हुए चले जाएंगे। यहां पे कोई भी कलर डाल दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। और लाइक यहां पे जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, एक्वा कलर डाल दिया, और ये हमने की फ्रेम को बंद कर दिया। फाइल को हम सेव करेंगे एनिमेशन tst.html, ये हमने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम, अब ये देखिए आप आउटपुट देखिए इसका, मैं रीलोड करवाता हूं। देखिए रेड येलो, फिर ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी में चेंज होते हुए जा रहे हैं। रिफ्रेश दोबारा करवाते हैं, देखिए ये इस तरीके से एक डिव का हल्का फुल्का एनिमेशन सी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। लास्ट जितना भी कोड है उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। आपका एनिमेशन है और ये उसका कोड। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।